हे गाइस, तो आज हम आ गए हैं पानीपत और यूपी के बॉर्डर में यमुना पुल के नीचे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक पुल का काम चलने लग रहा है, ये हाईवे बनने लग रहा है पानीपत से शामली तक का फर्स्ट फेज का, बाद में शामली से मुजफ्फरनगर का सेकंड फेज का। तो इस पहले फेज के हाईवे के अंदर जो काम है, उस काम में पुल का काम चलने लग रहा है और ये पुल 4 लेन पुल होगा, जिसके बन जाने के बाद इस पुल को बंद कर दिया जाएगा। अभी हमने इंजीनियर साहब से बात करी है तो उन्होंने हमें बताया है कि यहाँ पर काम चल रहा है, क्योंकि थोड़ा सा इलाका भी ये नदी का रह गया ना। ये देखिए, काम अपनी प्रोग्रेस पे है, थोड़ा इलाका भी ये नदी का रह गया ना, तो सोइल इरोजन वगैरह जैसी ये चीज़ें भी बहुत आम है यहाँ पर, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इंजीनियर्स के लिए काम करना। बट इंडिया के अंदर और भी बहुत प्रोजेक्ट्स इसी तरीके से निकले हैं, तो ये भी बहुत जल्दी बनेगा, पर इसका टाइम पीरियड बता रहे हैं कम से कम 1-1.5 साल से 2 साल के बीच का टाइम पीरियड बता रहे हैं। बाकी अपनी तरफ से स्टाफ जो है वो बहुत मेहनत करने लग रहा है, बट स्टिल अभी टाइम लगेगा। मैं आपको एक बारी थोड़ा सा पुल दिखा देता हूँ। ये देखिए यमुना जाती हुई, पानी का थोड़ा सा यहाँ पे है थोड़ा, और जैसा कि बताया जा रहा है कि ये जितना भी रहेगा 4 लेन का रहेगा। उस पुल को भी देख सकते हैं, डेढ़ से 2 साल का टाइम पीरियड रहेगा ही रहेगा, कम से कम 2 साल तक लग जाएंगे बनने के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट को ज़मीन भी एक्वायर करनी है, ऊपर से ऐसी जगह के अंदर बनाना भी काफ़ी आसान नहीं होता, बहुत चैलेंजेस रहते हैं इंजीनियर्स के भी। बाकी अपडेट धीरे धीरे जैसा जैसा बनता रहेगा वैसे आपको मैं बताता रहूँगा। See you guys.